हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इनक्रेडिबल हल्क। ये मूवी MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्जीनिया से, जहां पर हमको दिखाया जाता है एक मिलिट्री बेस, जहां के जनरल थंडरबोल्ट गामा रेडिएशन के साथ एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ। उस साइंटिस्ट का नाम होता है ब्रूस बैनर। लेकिन जिस सीरम से ये लोग उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। साथ ही में ब्रूस बैनर एक बहुत ही बड़े दानव यानी हल्क में बदल जाता है और ना चाहते हुए भी वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचाकर वहाँ से भाग जाता है। उस नुकसान में जनरल थंडरबोल्ट रॉस की बेटी यानी कि एलिजाबेथ भी जख्मी हो जाती है। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है 5 साल आगे की, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर अब ब्राजील में है, जहाँ वो सभी लोगों से छुपते छुपाते अपनी जिंदगी को जी रहा है। साथ ही में वो अपने ऑल्टर ईगो यानी कि हल्क जैसी सुपर पावर को भी रोकने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में हमेशा एक घड़ी पहनता है ताकि उसको पता रहे कि उसकी हार्ट बीट कम है या फिर ज्यादा, क्योंकि उसकी हार्ट बीट ही उसका इंडिकेशन है कि वो अपने ऑल्टर ईगो यानी कि हल्क में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ब्रूस बैनर एक योगा क्लास भी ज्वाइन करता है, जिसमें वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि अपने हार्ट बीट्स को काबू में करने की कोशिश करता है और साथ ही में अपना जीवन यापन करने के लिए वो वहाँ की एक सोडा फैक्ट्री में जॉब करता है। एक दिन वहाँ उस फैक्ट्री में काम करते करते ब्रूस बैनर के हाथ में एक छोटी सी खरोच लग जाती है, जिसकी वजह से उसका खून वहाँ चल रही कन्वेयर बेल्ट की बॉटल्स में से एक बॉटल में गिर जाता है और वो बॉटल US के लिए निकल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर ब्राजील के एक आदमी से डील करता है। वो उसे एक फूल मंगवाता है। जब घर आकर वो उस फूल पर टेस्ट करता है तो वो अपने लैपटॉप में एक मिस्टर ब्लू नाम के आदमी से बात करता है और उसको बताता है कि वो खास फूल मुझको मिल गया है जो कि हल्क बनने वाले एक्शन को रिवर्स कर सकता है। जब ब्रूस उस केमिकल को बना लेता है तो वो अपने खून पर उसका टेस्ट करता है और जब वो उसको चेक करता है तो उसको पता लगता है कि धीरे धीरे ये काम करने लगा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमको ये पता चलता है कि उसका टेस्ट फेल हो चुका है और उसके खून की सेल्स उस फूल के रिजल्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है। यानी कि ब्रूस बैनर को कोई और तरीका निकालना पड़ेगा अपने आप को हल्क बनने से रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम USA में मार्कर को देखते हैं, जो अपने फ्रिज को खोलते हैं और एक सोडे की बोतल को खोलकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे वो सोडे को पीते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। इस बात का पता वर्जीनिया की USS यूनिवर्सिटी में यानी कि थंडरबोल्ट को भी पता चल जाता है। वो अपने स्टाफ से पूछते हैं कि आखिरी घटना कहाँ की है, जिस पर वो बताते हैं कि US के अंदर एक मार्कर नाम का आदमी था जिसने वो सोडा पिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी रॉस पूछते हैं कि आखिर वो सोडा आया कहाँ से था, जिस पर वो बताते हैं कि ब्राजील की एक सोडा फैक्ट्री से, जिसको सुनकर रॉस को ये पता चल जाता है कि ब्रूस हो ना हो ब्राजील की उसी सोडा फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसीलिए वो एक नई सैनिकों की टीम बनाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी कमान संभालता है ब्लॉन्स्की। रॉस के आदेशों के अनुसार ब्लॉन्स्की और उसकी टीम ब्राजील में ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। जब वो उसके घर में पहुंचकर उसके घर की छानबीन करने लगते हैं तो ब्रूस बैनर को उनका पता चल जाता है और वो चुपके से घर से निकल जाता है। वहाँ पर उन दोनों में यानी कि ब्लॉन्स्की की टीम और ब्रूस बैनर में काफी भागम भाग होती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब ब्लॉन्स्की की टीम आखिरकार ब्रूस बैनर को पकड़ ही लेती है और इसी बीच वहाँ पर ब्रूस को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस की हार्ट बीट 200 पार हो जाती है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क में बदलने के बाद वो ब्लॉन्स्की की पूरी टीम को बहुत बुरी तरह मारता है और उन सभी को नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। ब्लॉन्स्की उस बड़े से राक्षस को देखकर हैरान हो जाता है और जाकर रॉस को रिपोर्ट करता है। साथ ही में कहता है कि हम ब्रूस बैनर को बस पकड़ने वाले थे, लेकिन ना जाने कहां से वहां पर एक हरे रंग का राक्षस आ गया और ब्रूस बैनर की भागने में मदद की, जिस पर रॉस ब्लॉन्स्की को बताते हैं कि वो हरा दानव कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर ही था। इस बात को सुनकर ब्लॉन्स्की हक्का बक्का रह जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आई कहाँ से, मुझको भी वो शक्तियाँ चाहिए। जहाँ थंडरबोल्ट रॉस ब्लॉन्स्की को एक लैब में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसको डॉक्टर एरस्काइन का बनाया गया एक सुपर सोल्जर सीरम देते हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये वही सुपर सोल्जर सीरम है जिसका इस्तेमाल कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स पर किया गया था World War II के समय पर। अगली सुबह ब्रूस बैनर अपने आप को एक जंगल में पाता है। वो वहाँ से मदद मांगने के लिए रोड पर आता है, जहाँ उसको एक गाड़ी मिल जाती है जो ब्रूस को मेक्सिको तक लिफ्ट दे देती है और अब
मेक्सिको में आने के बाद वो अपने खास दोस्त स्टर्न से मदद मांगता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझको एक जॉब दे सकते हो, और साथ ही में मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो क्या मुझको रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है। उनका दोस्त स्टर्न कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे इस रेस्टोरेंट में ऊपर वाला एक रूम खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो और साथ ही में पिज्जा डिलीवरी का काम भी कर सकते हो। एक दिन जब ब्रूस बैनर पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है, तभी वहाँ पर उसको अपना पहला प्यार बेटी रॉस दिखाई देती है, यानी कि एलिजाबेथ। लेकिन बेटी अकेली नहीं होती, वो वहाँ पर एक और साइंटिस्ट के साथ में होती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे बेटी को साइंटिस्ट से प्यार हो गया है। अब क्योंकि ब्रूस स्टर्न्स की दी हुई पिज्जा शॉप में काम कर रहा होता है और एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है, तो उसे एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्डर आता है। वो उस इंस्टीट्यूट में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाता है। वहीं पर नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। जब ब्रूस उस पिज्जा की डिलीवरी कर देता है, तो पास ही में रखे एक कंप्यूटर को देखकर वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर ब्रूस से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। और वहीं पर वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर में लॉग इन करता है और मिस्टर ब्लू से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रूस मिस्टर ब्लू को बताता है कि मैं फिर से हल्क बन गया हूँ, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे मैं इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकूं। जिस पर मिस्टर ब्लू कहते हैं कि मुझको तुम्हारे खून के सैंपल्स की जरूरत है, अगर तुम मुझको अपने खून के सैंपल्स लाकर दोगे तभी मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ब्रूस वहां से निराशा के साथ फिर से स्टर्न्स के पिज्जा रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड यानी जो साइंटिस्ट उसका नया पार्टनर होता है उसके साथ में वहीं स्टर्न्स के पिज्जा रेस्टोरेंट में बैठी होती है। और जब ब्रूस को ये पता चलता है कि बेटी वहां पर है, तो वो शर्म के मारे वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बात का बेटी को पता चल जाता है, जो भागकर उसको ढूंढने के लिए बाहर आती है। पर ब्रूस अब उस रेस्टोरेंट को छोड़कर वहां से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी बेटी उसका पीछा करते करते आखिरकार उसको ढूंढी लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इतने समय से कहां थे, मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम मुझको कहीं नहीं मिले। ब्रूस बेटी से कहता है कि मैं हल्क की वजह से इधर उधर छुप रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से हल्क बन जाऊं और किसी को नुकसान पहुंचाऊं, और यही वजह है कि मैं आज तक तुमसे दूर हूं। बेटी ब्रूस से पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकती हूं। ब्रूस कहता है कि मुझको इंस्टीट्यूट में जाकर फिर से मिस्टर ब्लू से बात करनी होगी, एक वही इंसान है जो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मेरी मदद कर सकते हैं। अब वो दोनों मिलकर सुबह उस इंस्टीट्यूट में जाने लगते हैं, लेकिन एक रात पहले ही वहाँ पर ब्रूस ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया था, जिस वजह से थंडरबोल्ट रॉस को भी अब उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, और वो उसी लोकेशन पर अपने कई सारे जवान भेज देता है, जिनके साथ ब्लॉन्स्की भी शामिल होता है। यहाँ हमको पता चलता है कि थंडरबोल्ट की मदद से ब्लॉन्स्की के अंदर सुपर सोल्जर सिरम की पावर्स है, यानी उसके अंदर भी अब कैप्टन अमेरिका जैसी शक्ति है। हो सकता है कि उनके बराबर ना हो, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ब्लॉन्स्की भी अब एक सुपर सोल्जर है। तभी वहाँ पर ब्लॉन्स्की अपने सैनिकों को ओवरब्रिज में जहाँ ब्रूस फंसा होता है वहाँ पर 2 रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए कहता है। दरअसल वो गैस रॉकेट्स हैं, जिनको लॉन्च करते ही उनके अंदर से गैस निकलने लगती है। वो गैस जैसे ही ब्रूस पर हावी होती है, तो ब्रूस अपना आपा खो बैठता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो सभी सैनिकों पर हमला बोल देता है। हल्क में इतनी पावर है कि वो वहाँ मौजूद सभी टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हल्क सभी सोल्जर्स को वहाँ से पटकता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जब भी कोई सोल्जर उस पर गोली चलाता है, उन गोलियों का उसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन तभी थंडरबोल्ट रॉस वहाँ पर एक नई ट्रूप को लाने का ऑर्डर देते हैं, जिनके पास साउंड वेव गन्स होती है। उन गन्स से साउंड वेव्स निकलती है, जिनका असर हल्क पर भी होता है और वो एक जगह पर रुक जाता है। वो उनसे बचने की काफी कोशिश करता है। वो पास ही में पड़ी एक डिस्ट्रॉयड आर्मर कार के दरवाजे को अपने हाथ में ले लेता है और उन वेव्स को रोकने की कोशिश करता है। अब एक पल ऐसा आता है जब वो उन साउंड वेव गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच वहाँ पर ब्लॉन्स्की आ जाता है। एक तरह से ब्लॉन्स्की हल्क को दूर करने के लिए वहाँ पर पहुँचा है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें बस इतनी शक्ति है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हल्क तो हल्क है। इसीलिए वो ब्लॉन्स्की को एक ऐसी लात मारता है जिससे ब्लॉन्स्की एक पेड़ से जाकर टकराता है, जिस वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। जिसके बाद हल्क वहां से बेटी को अपने साथ लेकर भाग जाता है, और वहीं पर थंडरबोल्ट और उसकी पूरी टीम ब्लॉन्स्की को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां को दिखाया जाता है कि ब्लॉन्स्की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके शरीर की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और अब वो चलने के लायक भी नहीं रहा। दूसरी ओर ब्रूस और बेटी अब दोनों मेक्सिको से न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी करते हैं,
क्योंकि उनको अब मिस्टर ब्लू से मिलना है, क्योंकि मिस्टर ब्लू के पास में ही वो राज था जिसकी मदद से वो ब्रूस बैनर को फिर से इंसान में बदल सकता था। जिसके बाद अब वो फिर से एक कंप्यूटर में मिस्टर ब्लू से चैट करते हैं। तभी हमको पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम सैमुअल है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लोंस्की का शरीर फिर से रिकवर होना शुरू हो गया है। वो रॉस को आकर कहता है कि अब मुझको ब्रूस बैनर को पकड़ना है और मैं जब तक उसको पकड़ूंगा नहीं मुझको चैन नहीं मिलेगा। इसी बीच ब्रूस और एलिजाबेथ भी अब न्यूयॉर्क के अंदर मिस्टर ब्लू से मिलने जाते हैं, यानी कि सैमुअल से, जहां ब्रूस बैनर सैमुअल को अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं अपने आप को किस तरह से बदल देता हूं, यानी कि हल्क बन जाता हूं, और जब मैं हल्क बन जाता हूं तो मैं अपने आप से अपना काबू खो बैठता हूं, जिसके बाद जो भी मेरे रास्ते में आता है या मुझको रोकने की कोशिश करता है मैं उन सभी चीजों को तबाह करते हुए आगे निकल जाता हूं। ब्रूस पूछता है कि क्या इस चीज का तुम्हारे पास कोई इलाज है, जिस पर सैमुअल ब्रूस से कहता है कि जब तुमने मुझको अपने खून के सैंपल्स भेजे थे तो उनकी मात्रा काफी कम थी, इसलिए मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया और टेस्ट करने के लिए अपने लैब में रख लिया। जब ब्रूस उन सभी सैंपल्स को देखता है तो उसका दिमाग फिर जाता है। वो सैमुअल से कहता है कि तुम्हें इन सबको नष्ट करना होगा, क्योंकि अब एक ऐसा इंसान है जिसका नाम ब्लोंस्की है, वो इन सभी सैंपल्स के पीछे पड़ा है और अगर उसको ये मिल गए तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हमें अभी के अभी ये सारे सैंपल्स नष्ट करने होंगे। वहीं पर ब्लोंस्की और उसके कुछ सिपाही ब्रूस को नशे का डांट मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और ब्लोंस्की की टीम उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो आखिरकार बेटी और ब्रूस को पकड़कर फिर से वर्जीनिया ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ब्लोंस्की वहीं उस लैब में रुक जाता है, जो आकर सैमुअल से कहता है कि आखिर तुमने इस पर क्या एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से ब्रूस हमेशा हल्क में बदल जाता है। सैमुअल उसको कहता है कि इसके अंदर गामा रेडिएशन की वजह से इसके सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं जो अपने शरीर को बदल देते हैं, लेकिन अब मैं उसके स्ट्रेन निकाल रहा हूँ। जिस पर ब्लोंस्की कहता है कि अगर तुमको मुझसे अपनी जान बचानी है तो वो स्ट्रेन मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, मैं भी हल्क की तरह अपने पूरे शरीर को बदलना चाहता हूँ। जिसके बाद सैमुअल ब्लोंस्की की बॉडी के अंदर वो स्ट्रेन डालने लगता है, जिसकी वजह से ब्लोंस्की की बॉडी भी बदलना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थंडरबोल्ट ने ब्लोंस्की की बॉडी के अंदर सुपर सोल्जर सीरम ऑलरेडी इंजेक्ट किया हुआ था, जिसके बाद जब हल्का इन्फेक्टेड ब्लड ब्लोंस्की की बॉडी में जाकर मिलता है तो वो बन जाता है एबोमिनेशन, जो एक बहुत बड़ा दानव है, क्योंकि वहां पर ब्लोंस्की के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी उठाकर फेंक सकता था, और अब वो फाइनली अपना बदला ब्रूस से, यानी कि हल्क से ले पाएगा। इधर ब्रूस, बेटी और थंडरबोल्ट को पता चल जाता है कि ब्लोंस्की ने खुद को एक बड़े से दानव यानी एबोमिनेशन में बदल लिया है। वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है, जिसको देखकर ब्रूस थंडरबोल्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब उस दानव को रोकने के लिए मुझको ही जमीन पर उतरना होगा, ये आपकी ही गलती है, आपकी वजह से ही ब्लोंस्की के अंदर इतने सारे बदलाव हुए हैं, अब ये पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। इतना बोलकर ब्रूस उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जमीन पर जाकर गिरता है, जहां थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूस फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और अब हमको हल्क और एबोमिनेशन के बीच एक बहुत भयानक लड़ाई देखने को मिलती है। दोनों के पास बहुत पावर्स हैं, दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध होता है, दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एबोमिनेशन हल्क को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर बेटी और थंडरबोल्ट थे। अब क्योंकि हल्क उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है तो इस वजह से वो हेलीकॉप्टर भी एक बिल्डिंग पर गिर जाता है। हेलीकॉप्टर के बिल्डिंग में टकरा जाने से उसके टैंक में दरार आ जाती है और वहां से फ्यूल निकलने लगता है। उस फ्यूल पर हेलीकॉप्टर से निकली चिंगारियां भी गिरने लगती हैं, और तभी हम देखते हैं कि वहां उस हेलीकॉप्टर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन वक्त रहते हल्क अपनी चालाकी से सुपर स्लैब की मदद से एक साउंड वेव क्रिएट करता है, जिससे उस पूरे हेलीकॉप्टर की आग बुझ जाती है। इसी बीच एबोमिनेशन हल्क पर फिर से हमला कर देता है, जो उसको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क के अंदर एक खूबी है, उसको जितना गुस्सा आता है उसकी शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। एक पल ऐसा आता है जब वो एबोमिनेशन को एक मुक्का मारकर वहां से गिरा देता है। इस जोरदार और इंटेंस फाइट में आखिरकार हल्क एबोमिनेशन पर काबू पा लेता है। एबोमिनेशन यानी कि ब्लोंस्की भी समझ जाता है कि ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो खुद को उसके सामने सरेंडर कर देता है, जिस वजह से हल्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से एक दहाड़ मारता है। बेटी उसके इस रूप को देखकर डर रही होती है, जिसको हल्क देख लेता है। हल्क जानता है कि वो इंसानी रूप में अब कभी नहीं बदल सकता, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। 6 महीने बाद
जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पेटी और थंडरबोल्ट भी अब एक आम जिंदगी जी रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया के बेलाकोला राज्य के अंदर अब भी हल्क जिंदा है और वहीं चैन से गुजारा कर रहा है। साथ ही वो अपने हल्क की पावर्स को काबू करने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बार के अंदर बैठकर थंडरबोल्ट रॉस दारू पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क की एंट्री होती है, जो रॉस से कहता है कि क्या आपके सैनिक मुझको मिल सकते हैं। जिस पर रॉस टोनी से पूछते हैं कि आखिर तुमको सैनिक क्यों चाहिए, जिस पर टोनी उनको बताता है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ जिसका नाम है अवेंजर्स। और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल, इस फिल्म के अंदर एडवर्ड नॉर्टन ने हल्क का किरदार निभाया था, जो आगे चलकर हमें किसी भी मार्वल मूवी के अंदर हल्क बनते हुए नहीं दिखे, क्योंकि इस मूवी के बाद जितनी बार भी हल्क अपीयर हुआ है हमें उसमें मार्क रुफेलो हल्क बनते हुए नजर आए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे द इनक्रेडिबल हल्क वाली पर्सनालिटी सबसे एग्रेसिव लगी, जो शायद आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए थी। इस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।